लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामे वीर अनेक, जिस पर जामे वीर अनेक। भारत में तीन स्तंभ सबसे पूजनीय है। सर्वप्रथम वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, दूसरे वे राष्ट्र निर्माता जिनकी वजह से वैश्विक पटल पर भारत का नाम है, और तीसरे एवं सबसे महत्वपूर्ण भारत के वो जवान जो मरते वक्त की माँ भारती को याद करते हैं। जय हिंद। मैं दिव्यांग गुप्ता, डीपीएससी मेरठ रोड का छात्र, आज आपको भारत माता के वीर सपूत, डीपीएससी के एलुमनाई और मेरे रोल मॉडल अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा की वीर गाथा सुनाने जा रहा हूँ। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ। मेजर मोहित शर्मा कोई साधारण कैडेट नहीं थे, तो शुरुआत से ही अतुल्य, इस वजह से उन्हें बीसीए की रैंक से नवाजा गया। मेजर मोहित शर्मा जब 5वीं मद्रास रेजिमेंट में थे, तब उन्होंने 38 आरआर के साथ मिलकर अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें उनके पहले गैलेंट्री अवार्ड COASM से भी नवाजा गया। अंडरकवर मिशन, जी हाँ, 2004 में मेजर मोहित शर्मा ने भारत के सबसे बड़े अंडरकवर मिशन को अंजाम दिया, जिसके लिए उनकी पहचान बदल दी गई और नाम इफ्तिखार भट्ट कर दिया। मेजर मोहित शर्मा ने मुजाहिदीन के 2 आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्जार का विश्वास किया और उनकी कई गुप्त जानकारियां भारत तक पहुंचाई, और मौका मिलते ही अपना वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया। मेजर मोहित शर्मा ने 2008 में हफूदा के जंगलों में एंटी टेरर मिशन को अंजाम दिया, जिसमें वे अपने साथी को बचाते बचाते न जाने कितनी गोलियां खाई और वे शहीद हो गए। मरते मरते भी मेजर मोहित शर्मा ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये कुछ अंतिम शब्द थे मेजर। जो व्यक्ति मरते मरते भी अपने से पहले मां भारती की सुरक्षा के बारे में सोचता है, मैं मानता हूं वो सही मायने में एक देशभक्त, इसलिए ही मैं उन्हें अपनी प्रेरणा मानता हूं। वीर लड़ते हैं तब जब मातृभूमि पर घात होती है, बिना अपनी परवाह किए शहीद होने वालों में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग बात है। मैं दिव्यम गुप्ता ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करता रहूंगा। मैं स्वयं से पहले देश को रखूंगा। मैं देश के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता रहूंगा।